प्लेट में पकौड़े आए थे जो वो आदमी खा गया। हाँ जी, शक्ल दिखाओ। सारे पकौड़े खा गया। उम्मीद है आपको थोड़े बहुत ड्रोन बाजी हमारी पसंद आई। बेसिकली दिस वॉज टू शो यू कि हम बाहर आए हुए हैं और ये व्लॉग सिर्फ मस्ती के बारे में हमारे, हमको बहुत ज़रूरत थी कोविड की उदासी मायूसी से दूर जाने की, खुली हवा में सांस लेने की। तो हम यहाँ आ गए हैं। दिस व्लॉग विल ओनली बी अबाउट boy fun and eating and probably drinking. I didn't want to say it in the vlog. Probably, of course, drinking and nature mein, nature se rubaru hum aapko kal karayenge. I don't know if the GoPro can pick up, but wahan pe moon bahut pyara lag raha hai. Wahan pe and sunset piche kahin ho raha hai. Ye this is Fern Hill in Chell. ये हमारे मित्र की प्रॉपर्टी है। बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस, आई वांट यू टू हियर दिस। ध्यान से सुनना। सुन पा रहे हो? साइलेंस, नेचर का साइलेंस। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और मैंने एक बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि मैं पर्सनल बोरिंग पकाऊ बातें नहीं करूँगा, बट आई हैव बीन गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड अदर इशूज़ विद माई सेल्फ। एंड अब हम यहाँ आ गए हैं, इश्यूज़ उठ जाएंगे। एंड आई डोंट नो अब अगर मून थोड़ा बेटर दिख रहा है, बट लाइट जा चुकी है यहाँ पे और जनरेटर हमने जानबूझ के नहीं चलवाया है। रोशनी है, क्या ज़रूरत है तेल फूकने की? और शायद हम रात को भी जनरेटर नहीं चलवाएंगे। इट बी ए क्रेजी भूत बंगले वाला फील। तो अगर कुछ वैसे थ्रिल्स हुए तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड रोहन बता रहा था कि अगल बगल में कहीं तो भी कुछ हॉन्टेड सी कुछ तो भी हॉन्टेड बकचोदी है। सो लेट्स ट्राई एंड रन इनटू अ घोस्ट। दैट बी फन। फ्यू मोमेंट्स लेटर, वो एकदम से खतरनाक घुप अंधेरा हो गया। हम मूनलाइट में चिल कर रहे हैं। एंड एक फिलहाल ये व्लॉग के लिए हमने यहाँ पे ये टॉर्च का सहारा लिया है और माहौल करने वाले हैं हम, बिकॉज वी आर द, मी एंड रोहन आर द माहौल बॉयज। मैं कहने वाला था माहौल माहौली बॉयज। वी आर द माहौल बॉयज, नॉट द माहौली, नॉट द माहौली, नॉट द माहौली बॉयज, द माहौल एंड नॉट मवाली आल्सो, माहौल, माहौल बॉयज। एक सेकंड जरा टॉर्च मारो ना। माहौल, वी आर द माहौल बॉयज। अपनी शक्ल भी दिखाओ, माहौल बॉयज। मेनी आवर्स लेटर, हाय गाइस, काफ़ी देर बाद कनेक्ट कर रहे हैं। अंधेरा बहुत था तो मैंने कुछ बनाया नहीं और दाढ़ी इग्नोर करना और तो बालू भुजिया खाई थी, दाढ़ी में बालू भुजिया लगी हो तो वो भी इग्नोर करना। बाहर अंधेरा बहुत था और अब हम अंदर जा रहे हैं और कुकरेजा शायद वहाँ अंधेरे में रह गया। अगर आप देख पाओ तो वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। ये कोई तो आ रहा है, कुकरेजा साहब ये लग रहे हैं। हाँ, तो कुकरेजा साहब और मैं, हमने पहले कहा था हम रुक जाओ यार प्लीज, माहौल ब्रदर्स है, नॉट माहौली ब्रदर्स, माहौल ब्रदर्स। वहाँ जा रहे हैं वो बंदर खाना खाने। ए सरदार जी का भूख से बहुत गहरा रिश्ता है, जैसे मेरा है। सबसे पहले अपनी प्लेट, अरे नहीं, सरदार जी को भी किसी ने हरा दिया, इसने प्लेट पहले भर ली। मैं और कुकरेजा, ओ यार विस्कियां, विस्कियां हटाओ यार, ऐसे डिसेंट नहीं नहीं, विस्की फैमिली ऑडियंस के लिए शो बना रहे हैं हम। ये फैमिली ट्रिप नहीं है, ये दिस इज पीएस, दिस इज नॉट अ फैमिली ट्रिप। पीएस स्टैंड्स फॉर पेशाब एंड सुसु। पीएस तू कितना है? अरे नॉन वेजिटेरियन चिकन कुकर्ड।
ओए तो ओए लक्की लक्की ओए का गाना हो गया, जॉनी वॉकर वॉकिंग वॉकिंग, ओल्ड मॉन्की टॉकिंग टॉकिंग, सदार ईटिंग ईटिंग। दारजी दारजी कुछ ऑडियंस से बात तो करो। नमस्कार, ये भटूरे को छोले कब खिलाने? यूट्यूबर के साथ हूट्यूबर, आई एम द हूट्यूबर। अच्छा चलो ठीक है, अभी सॉरी मैंने एक असूल बनाया था बहुत पहले, कैमरे पे कभी पैग पुग नहीं मारूंगा। दारजी और राइस नहीं खाने, दारजी राइस खाने जा रहे हैं। दारजी चिकन, दारजी चिकन, दारजी वो पनीर है, पनीर नहीं खाना। दारजी चिकन, चिकन खिला रहा है उसको, खाने दो, जो खा रहे उसको तो खाने दे। माई गया वे आपको जी। तो हम रूम में आ गए और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि उस खुन्नस में मैं आधे घंटे इंस्टाग्राम पे लाइव चला गया था। IGTV है अगर आप लोग बकचोदी देखना चाहो। बेगम सो चुकी है थक के, मैं भी सो जाऊंगा और कल की कल देखेंगे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। ये तो सवेरे उठ गया था, मैं अभी उठा हूँ। हैड अ क्रेजी नाइट एंड क्रेजी नाइट के साथ जो एक एविडेंट हैंगओवर होता है वो हुआ हुआ है। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और अब नहा धोके देखते हैं क्या माहौल करना है। हैं दारजी क्या माहौल करना है? तो पहले जो गुड मॉर्निंग किया था वो फेक गुड मॉर्निंग था, मैं जा रहा हूँ लंच टाइम पे। इनका तो लंच वंच भी हो गया है और फल फूल पड़े हैं, और अब मैं फल फूल खा के फूलूंगा। तो अब फाइनली निकल गए टेंपल, जा रहे के ट्रैक करेंगे टेंपल के। सदार जाके गाड़ी में बैठा हुआ है, कह रहे हैं ऐसे मत कर, मैनू ही लेके जा यार गड्डी च। हराम खोर निकल गया मेरे बिना, पकड़ लिया सदार जी को। हाँ तो पकड़ा मैंने आपको, है सुबह से आराम कर रहे हो, थोड़ी तो मेहनत करा। आराम करने तो आए हैं यहाँ, लॉकडाउन में घूमेंगे पुलिस पकड़ लेगी। हम जा रहे हैं मंदिर। सो जो मंदिर हम आए हैं उसको कहा जाता है कि उसका नाम है काली का टिब्बा। उधर भाई मंदिर खुला होगा दर्शन के लिए? बंद है। मेन मंदिर उधर है, ये मेन मंदिर ही है सामने। देयर इज माँ काली ओवर देयर। मैंने आज से पहले क्रिस्टल शिवलिंग कभी नहीं देखे। गाइस व्यू देखो, नज़ारे। सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द शिवालिक रेंज। आई एम मिसिंग माय ड्रोन सो मच राइट नाउ, मतलब यहाँ पे आधा मजा ड्रोन उड़ाने में। खैर होटल से भी ये ऊंचाइयाँ पूरी की जा सकती हैं। पीछे अगर आप देखो 6:30 बज गए हैं, 6:36 टू बी प्रिसाइज। हम सनराइज की वेट कर रहे हैं, लेकिन दारजी इज गेटिंग इंपेशेंट। दारजी इज लाइक अभी 45 मिनट लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे। तो की हो गया दारजी? डिस्टेंस ना, सन कितना दूर है? अनफॉर्चुनेटली सनराइज हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं उनको मंदिर बंद करना है। एंड कोई बात नहीं, बट मेन हमारा मकसद था आने का, दर्शन माता के जो हो गए, जय माता दी। अब हम चलेंगे वापस। तो मंदिर के यहाँ से तो सनसेट नहीं देख पाए, हम कहीं और से एक जगह से ट्रेल वॉक करके जा रहे हैं।
होपफुली सनसेट का कुछ तो टाइम लैप्स आया होगा, वो तो कंप्यूटर पे जाके पता चलेगा। एंड हम वापस जा रहे हैं, ये थोड़ा सा रास्ता ट्रिकी है और हाँ रास्ता ट्रिकी है और हम काबिल। ओ चीता, तो आज हमने डिसाइड किया कि मटन मैं बनाऊंगा, दार जी कहने को मेरे साथ को कुकिंग करेंगे, लेकिन ये सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। आज उदय भाई कुछ और खा रहे हैं, बना रहे हैं चिली चिकन। ये देखो अपने गंदे हाथों से फूड टच कर रहा है, ऐसे ऐसे करे हुए, ऐसे मतलब बताओ ऐसे कोई बात है। सो मटन, सॉरी मेरी वेजिटेरियन पब्लिक अब कम दिखाऊंगा, मैं भूल गया था कि मेरी एनी हाउ, सो आई एम जस्ट गोना कुक नाउ। तो हम लोग ऊपर आए हैं, ये कपड़ा भी यूज करते हैं। उदय भाई पनीर बना रहे हैं हमारी बॉन फायर में, पनीर टिक्का। मेरा कुकिंग का काम चालू हो गया, फाइनली ये दिन भी ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और मुझे पता है व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन नहीं रहा है, बट मैंने सिर्फ व्लॉग इसलिए किया क्योंकि मैं बाहर निकल रहा था दिल्ली से, और जब जब निकलता हूँ आप लोगों से कनेक्ट ज़रूर करता हूँ, बट ये मेरे बारे में था। तो कल सुबह मिलेंगे और इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइज, पैकिंग मेरी हो गई है, कपड़े वपड़े मेरे मूव आउट कर चुके हैं रूम से, और ये व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया है बिकॉज हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली से मुझे खबर आई है कि एक बहुत कूल चीज़ जो काफ़ी टाइम से ट्रांजिट में अटकी हुई थी फाइनली शिप होके मेरे घर पहुंच गई है, तो एक बहुत क्रेजी प्रोडक्ट का वीडियो आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, मच लव गाइस, बाय बाय।